क्या करना रहेगा, आप यहाँ से निकालो vn। तो मैंने बोला लास्ट वीडियोस में कि vn आप कैसे निकालोगे, तो vn निकालने के लिए क्या करना है, हाईएस्ट पावर ऑफ जो भी है न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर को जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है, n टू द पावर हाफ, ठीक है, और जो लोवेस्ट पावर है यहाँ पे डिनोमिनेटर पे कितना दिया हुआ है यहाँ पे n स्क्वायर, ठीक है, और नीचे कितना और वन, तो यहाँ कितना हो जाएगा ये, और इसको मैच कर सकते हैं वन अपान एन स्क्वायर माइनस हाफ स्क्वायर से लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा वन अपान एन टू द पावर थ्री बाई टू, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यूनियन डिवाइड बाई वीएन निकालते हैं, यूनियन डिवाइड बाई वीएन निकालते हैं, लिमिट ऑफ एन टेंस टू इनफाइनाइट अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिमिट ऑफ एन टेंस टू यूएन अपान वीएन निकालते हैं, तो देखते हैं हम यहाँ पे यूएन की वैल्यू है कितना दिया हुआ है, अंडर एन डिवाइड बाई एन स्क्वायर प्लस वन, और वीएन की वैल्यू कितना दिया हुआ है वन डिवाइड बाई, तो ये कितना दिया वन डिवाइड बाई, तो डिवाइड का डिवाइड क्या है ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा एन थ्री टू, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा फाइनली एन टू दी पावर हाफ, ये हो जाएगा इन टू एन टू दी पावर थ्री बाई टू, और ये कितना हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस वन, तो फाइनली कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, यहाँ पे एन स्क्वायर कॉमन लेंगे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यू एन डिवाइडेड बाई वी एन इक्वल टू वन अपॉन एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे वन अपॉन एन स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट ऑफ एन टेंस टू इनफाइनाइट, तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे लिमिट ऑफ एन टेंस टू इनफाइनाइट, वही चीज है लिमिट ऑफ एन टेंस टू इनफाइनाइट, तो यहाँ पे अप्लाई करने पे ये कितना होगा, ये वाला जो टर्म है वो कितना हो जाएगा जीरो, और फाइनली वैल्यू आई थी वन जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है, दैट मींस क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पे। तो कंपैरिजन टेस्ट में आपने यही पढ़ा था कि अगर लिमिट ऑफ एन टेंस टू इनफिनिट यू एन अपॉन वी एन एक फिक्स्ड वैल्यू है 1 और नॉट इक्वल टू 0 है या नॉन जीरो अगर वैल्यू है, तो अब वी एन के बेस पे आप बता सकते हो, ठीक है, वी एन के बेस पे बता सकते हो जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंस है डाइवर्जेंस है, तो देखते हैं यहाँ पे क्योंकि वी एन तो वी एन इक्वल टू कितना दिया है 1 अपॉन एन टू दी पावर 3 बाई 2, और यहाँ पे देखो 3 बाई 2 जो वैल्यू है पी की वैल्यू आ जाएगी 3 बाई 2 होगी। जैसे हम यहाँ पे पढ़ते थे पी सीरीज टेस्ट में 1 अपॉन समेशन ऑफ एन टू दी पावर, क्या पढ़ते थे हम यहाँ पे सॉरी समेशन ऑफ 1 अपॉन एन टू दी पावर, यहाँ पे पी पढ़ते थे पी सीरीज टेस्ट में, और यहाँ से कंक्लूजन निकालते थे अगर पी ग्रेटर देन अगर 1 है तो कन्वर्जेंस, p less than or equal to अगर 1 है तो डाइवर्जेंस। तो देखते हैं यहां पे p की वैल्यू कितनी है 3 by 2, दैट मींस बाय अप्लाइंग द p सीरीज टेस्ट, अप्लाइंग p सीरीज टेस्ट, तो p सीरीज टेस्ट निकालते हैं यहां पे p सीरीज टेस्ट अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद देखते हैं यहां पे कि 3 by 2 की वैल्यू जो है दैट मींस ये 1 से बड़ी है, दैट मींस जो आपका गिवन सीरीज है, ये जो गिवन सीरीज है ये एक कन्वर्जेंट सीरीज है, यहां से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास और कुछ क्वेश्चंस हैं इसके बेस पे, और कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है बुक में तो देखते हैं हम, तो अभी ये वीडियो पॉज करो और ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में क्या दिख रही है, यूएन की ही वैल्यू दे दी हुई है ऑलरेडी, ठीक है, तो सीरीज ना देके आपको डायरेक्ट अगर यूएन की वैल्यू दे दिया हुआ तो आपका एक काम बचेगा आपको यूएन फाइंड करना। तो देखो यहाँ पे यूएन दिया हुआ है, अब यहाँ से कैसे आप वीएन फाइंड करोगे, तो यहाँ पे न्यूमरेटर दिख रहा है लेकिन डिनोमिनेटर नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे, डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है, तो देखते हैं हम वीएन कैसे फाइंड करोगे। तो यूएन को सबसे पहले और सिंपलीफाई कर लेते हैं, और वीएन फाइंड करने के लिए सबसे पहले यूएन को आप रेशनलाइज करके इसका इसको कर सकते हैं, तो रेशनलाइज करते हैं यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस
केस को नॉन जीरो वैल्यू होना चाहिए। तो चेक करते हैं यहां पे, सबसे पहले आप un डिवाइडेड बाय vn की वैल्यू निकालो और लास्ट में आप लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट कर देना। तो देखते हैं यहां पे un की वैल्यू कितनी है, 1 / n अंडर रूट ऑफ 1 + 1 / n स्क्वायर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है यहां पे + 1, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं + 1। तो ये आ गई हमारी un की वैल्यू, और ये कितना था vn की वैल्यू कितनी आ गई, 1 / n, ठीक है। तो 1 / n से 1 / n कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा पूरा, जो बचा हुआ पोर्शन है वो कितना आ जाएगा, जो n / vn, और हम बचे हुए पोर्शन में लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफिनिट अप्लाई कर देते हैं, कितना जाएगा 1 / अंडर रूट ऑफ 1 + 1 / n स्क्वायर, और ये कितना है यहां पे + 1। तो जैसे हम अप्लाई करेंगे लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफिनिट, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, तो ये वैल्यू हो जाएगी कैंसिल आउट, दैट मींस ये 0 हो जाएगी, 1 + अंडर रूट 1 दैट मींस 1, और + 1 दैट मींस कितना हो जाएगा 2, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/2, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। दैट मींस आपका कंपैरिजन टेस्ट सक्सेस हुआ, यहां पे कंडीशन यही थी यहां पे। और यहां से अब हम by using the vn और n की जो पावर है वो आप यूज करके डायरेक्टली बता सकते हो जो गिवन सीरीज और कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस है। देखते हैं क्योंकि vn की जो वैल्यू है वो कितनी है 1/n, दैट मींस यहां से अगर आप कंपैरिजन करोगे p से तब कितना हो जाएगा यहां पे 1/n टू द पावर 1, दैट मींस आपको ये मिल जाएगा p की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी यहां पे 1 वैल्यू। तो p की वैल्यू आ गई आपकी 1, और यहां से y p सीरीज केस आपको पता है कि p जब p की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू अगर 1 होती है तो जो गिवन सीरीज होगा वो क्या होगा, डाइवर्जेंस। तो हम यहां से कंक्लूजन निकाल लेते हैं ये जो गिवन सीरीज है वो क्या है, डाइवर्जेंस। तो आपको ये जो दिया हुआ है ये जो सीरीज दिया हुआ है ये एक डाइवर्जेंस सीरीज होगा, आप ऐसे कंक्लूजन निकाल सकते हो। ऐसे करके आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस में यही करना है, ठीक है। तो आपके पास जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 2B, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2B में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, 2B के जितने भी एक्सरसाइज होंगे आप कर लीजिए से, अगर उसमें कोई दिक्कत आता है एक्सरसाइज मैं करा दूंगा वैसे, ठीक है। तो आप अभी क्वेश्चंस करो और इसको पॉज करके वीडियो पॉज करके सारा चीज नोट डाउन कर लीजिए, और कोशिश कीजिए कि अगर एक्सरसाइज से क्वेश्चन इसी मेथड में करें और सारी चीजें बन जाएगा। जो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है लिखने वाला, जो मैं बोल रहा हूँ वो सारी चीजें आप लिख लीजिएगा, हर एक चीज लिखा है यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अब जो थ्योरेटिकल पोर्शन है जो मैं बोल रहा हूँ वो आप सारी चीजें लिखो, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखने का तरीका क्या है, ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है कि यूएन की वैल्यू इतनी है, ठीक है, ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे लिखना है एज वी नो दैट बाय यूजिंग द कंपैरिजन टेस्ट, तो हमें क्या चाहिए, वीएन की वैल्यू चाहिए। तो वीएन की वैल्यू फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे थे यहाँ पे एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर नहीं दिया होता। तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर की वैल्यू निकालते हैं और न्यूमरेटर की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे कहता है ओनली न्यूमरेटर था, तो डिनोमिनेटर में वैल्यू नहीं था, हम क्या करते हैं इसको रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज करके डिनोमिनेटर में टर्म्स निकालते हैं और हमें जो मिलता है वो होता है 1/n2। तो हम देखते हैं हाईएस्ट पावर ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो हमें जो मिला vn की वैल्यू 1/n मिल गई, उसका अगर कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करते हैं तो टर्म्स कंडीशन ये होता है, ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट un/vn इक्वल टू ये, ठीक है। तो ये क्या है, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए क्योंकि नॉन जीरो वैल्यू होता है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं un/vn फाइंड करते हैं, फाइंड करने के बाद हमको एक कंक्लूजन मिल गया, इसकी वैल्यू हाफ है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसलिए हम यहां से ये कंक्लूजन पे आ जाएंगे कि vn की वैल्यू यहां का जो पावर है यहां पे जो दिया हुआ है ये वैल्यू 1 वो p की वैल्यू होगी, और p की वैल्यू से हम यहां से कंपैरिजन टेस्ट कर लेंगे, p की वैल्यू देख के अगर less than equal to 1 है तो डाइवर्जेंस होगा, अगर यही वैल्यू greater than 1 होता तो हम वहां पे क्या करते। अब ये वैल्यू मत देखना